नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिग बॉस के घर में अब केवल 7 कंटेस्टेंट बचे हैं, जिसमें प्रियंका, शिव, अर्चना, एमसी स्टैन, सुम्बुल, निमृत और शालीन शामिल हैं। इन सभी के बीच अब ट्रॉफी को लेकर जंग कायम है। अब बात की जाए घर के माहौल की, तो अभी फिलहाल शालीन घर में बहुत खुश नजर आ रहे हैं और उनकी खुशी का कारण टीना है। अब आप सोचेंगे कि टीना तो घर से बेघर हो चुकी है, तो यही कारण है कि शालीन खुश। शालीन को टीना के जाने के बाद से बेहद खुश देखा जा रहा है। वे टीना के जाने के बाद डांस भी करते नजर आते हैं। दरअसल शनिवार के एपिसोड में बिग बॉस के घर से टीना एविक्ट हो गई थी, जिसके बाद से घर का माहौल ही बदल गया है। सुम्बुल, निमृत और खास तौर पर शालीन टीना के जाने के बाद से खुश नजर आ रहे हैं। शालीन इतने ज्यादा खुश है कि वो खुशी में डांस भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि अब काफी अच्छा महसूस कर रहा। शालीन स्टैन निमृत से कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ और बहुत रिलीफ में हूँ और अपने लिए खुश हूँ। आगे शालीन अपनी बात को कवर करते हुए कहते हैं, हालांकि कोई गया है इसलिए नहीं, लेकिन मैं अपने लिए बहुत खुश हूँ। इसके बाद शालीन स्टैन के साथ डांस करते हैं। शालीन कहते हैं, मुझे सुबह से कुछ कुछ हिंट आ रहे थे कि टीना जाएगी, क्योंकि जब पहले गई थी तो उसने सेम ड्रेस पहनी थी, सेम पैटर्न, सेम कलर और सेम डॉट्स। उसके लिए रूम नंबर 3 लकी नहीं था। इस बार भी वो रूम नंबर 3 में गई और आउट हुई। आगे शालीन कहते हैं कि आज अलग पॉजिटिविटी है। इसके बाद शिव कहते हैं कि हमें पता है कि ये पॉजिटिविटी का कनेक्शन किससे। वही निमृत पूछती है कि शालीन आपको कैसा लग रहा है। इसके बाद शालीन एक्टिंग करते हुए कहते हैं, मैं बहुत बहुत उदास था, अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। फिर नॉमिनेशन आया, मैं फिर उदास हो गया। फिर वीकेंड का वॉर आया तो उम्मीद जगी और अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जनता का बहुत धन्यवाद, जनता ने मुझे बचा लिया। तो यहाँ शालीन कहना तो यही चाह रहे थे कि वो टीना के जाने से खुश है, लेकिन वो खुलकर अपनी बातों को नहीं रख रहे हैं। इशारों में टीना पर निशाना साध रहे हैं। खैर, इसके बाद आगे शालीन बाथरूम एरिया में डांस करते नजर आते हैं। वो खुशी से गाना गाते हुए डांस कर रहे होते हैं और खूब खुश नजर आते हैं। इसके बाद शालीन बिग बॉस से गिटार भेजने की रिक्वेस्ट करते नजर आते हैं। शालीन फिर खुद ही कहते हैं कि अरे मैं पागल दिख रहा हूँ। इधर अर्चना शालीन को लेकर प्रियंका से बात करते हुए कहती है कि इस एक इंसान ने 2 लोगों की इमेज खराब करके भेजा है। अपनी इमेज अच्छा बना रहा है, ये अच्छा इंसान है, इसने जो हरकत की है ना, इसे एक दिन अफसोस होगा। फिलहाल अब बिग बॉस का एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। देखना ये दिलचस्प होगा कि बिग बॉस की ट्रॉफी किसके हाथ जाती है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।